दोस्तों, अमरनाथ बाबा की यात्रा की रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है, यात्रा कब से शुरू हो रही है, और दोस्तों मेडिकल कहां से होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, आप देश के किसी भी कोने में हो वहाँ से आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है फियरलेस प्रवीण। तो सबसे पहला सवाल कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों इस साल की जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से शुरू हो रही है और जो यात्रा है वो 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों इस बार यात्रा का टाइम कर दिया है कम क्योंकि बहुत पड़ रही है ठंड, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, बाकी रीज़न कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों दूसरा सवाल, आप रजिस्ट्रेशन और मेडिकल कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये ऑनलाइन फॉर्म। तो ये ऑनलाइन फॉर्म फरवरी में आपको मिल जाएंगे, आप उनको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरिए, इसको फॉर्म को भरिए। और ध्यान रहे भरते वक्त आपने जो आपका जो रूट होगा वो होगा पहलगाम चंदनवाड़ी से। दोस्तों अमरनाथ बाबा की यात्रा के 2 रास्ते हैं, हम 2 रास्तों से अमरनाथ बाबा के यात्रा पर जा सकते हैं, एक है बालटाल और एक है पहलगाम। पहलगाम की तरफ जाइए और यात्रा का पूरा आनंद लीजिए। अगर आप पहलगाम की तरफ से जाओगे तो आपको मिलेगा देखने को पिशू टॉप, पिशनाक झील, उसके बाद महागणेश टॉप, उसके बाद पंजतरनी और फिर उसके बाद संगम के रास्ते से हम अमरनाथ बाबा के दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर हम बालटाल की तरफ से जाते हैं तो संगम की तरफ से होके जाना पड़ेगा और सीधी चढ़ाई है जिसमें आप एक दिन जा सकते हो और दूसरे दिन वापस आ सकते हो दोस्तों। और जो अगर आप पहलगाम की तरफ से जाते हो तो आपको दोस्तों 3 दिन लग जाएंगे जाने में। इधर से दोस्तों 12 किलोमीटर दूर है बालटाल की तरफ से और जो पहलगाम की तरफ से है 48 किलोमीटर दूर। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपने जो फॉर्म में भरना है वो भरना है पहलगाम की तरफ से जाने का रास्ता फिल करना है दोस्तों। और दोस्तों सबसे जल्दी जाने की कोशिश करना क्योंकि जल्दी जाने से ऐसा ये कहा जाता है कि अगर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर जाएंगे तो आपको बाबा बर्फानी की शिवलिंग की पूरी जो भी बर्फ़ से बनती है वो आपको संपूर्ण देखने को मिल सकता है दोस्तों और उसका आनंद आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा लेट जाते हैं तो दोस्तों ये कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं पहले ही, तो ह्यूमन बॉडी की गर्मी की वजह से वो थोड़ा बर्फ़ शिवलिंग पिघलने लग जाता है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, बाकी अब ऐसा होता है नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बस पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके आप पहले जाने की कोशिश करिए। और मैं भी हमेशा पहले ही गया हूँ दोस्तों। तो और दोस्तों ग्रुप में हम जाएंगे और ग्रुप के जो चार्जेस होंगे जो बैंक हमसे लेगा रजिस्ट्रेशन के, 1 से अगर 5 मेंबर होते हैं तो दोस्तों 50 रुपये लगेंगे। इसी तरह ग्रुप बढ़ते जाएंगे दोस्तों और जितना बड़ा ग्रुप होगा उसके हिसाब से 100, 150, 200 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है आपने। और दोस्तों दूसरा सवाल, अब मेडिकल कहाँ से करवाना है। दोस्तों मेडिकल करवा ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल का फॉर्म भर के, जैसे कि हमने डाउनलोड कर लिया अब उसको भर लिया अब, तो ऐसा नहीं है कि हम वो फॉर्म लेके किसी भी हॉस्पिटल में चल जाएं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप वो अगर अमरनाथ के यात्रा के लिए जा रहे हैं और सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि कंपलसरी होता है दोस्तों, इसके बिना हमें नहीं जाने दिया जाता, तो आपको क्या करना होता है, पहले तो आपने चेक करना है ऑनलाइन कि जिस भी शहर में हम रह रहे हैं भारत के, उधर से हमें कौन कौन से हॉस्पिटलों ने अपना नाम दिया है श्राइन बोर्ड को, जिससे कि हम वहाँ पे चेकअप हो रहे हैं। तो दोस्तों पहले हमने ये चेक कर लेना है। जैसे पिछली बार मैं चंडीगढ़ से गया हूँ 2 बार, तो दोस्तों जो पहली बार मैं गया था वो सेक्टर 16 से मैंने अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाया था, और जब मैं अगली बार गया था वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस बार नहीं कर रहे हैं चेकअप। तो दोस्तों इसी तरह आप पहले चेक कर लेना फिर जाना किसी हॉस्पिटल में। मेडिकल में मेनली 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, पहला तो शुगर लेवल टेस्ट होगा, सुबह सुबह आप खाली पेट जाइए अपना शुगर टेस्ट कराइए, उसके बाद ECG और उसके बाद फिटनेस चेकअप होता है, बस उठक बैठक या थोड़ी बहुत जंप पे कराते हैं दोस्तों, बस इतना ही होता है। आप फिट रहिए, अभी से मैंने आपको ये जानकारी दे दी है तो अभी से आप फिट हो जाइए दोस्तों, अगर आप अमरनाथ बाबा की यात्रा पे जाना चाहते हैं। और इस बार का नज़ारा होने वाला है बहुत अच्छा, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, क्या पता इस बार आपको बर्फ़ के साथ साथ बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है। एक बात और, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं या अपने साथ ग्रुप में जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या बाइकों पे जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं दोस्तों, हर किसी के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है दोस्तों। और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में दे रखा अपने यूट्यूब चैनल के। दादा आपका समय ना लेते हुए आज मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन और मेडिकल की जानकारी दी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या लेके जाना है,
कैसे जाना है और कितना खर्चा आता है, आप देश के किसी भी कोने में वहाँ से आप कैसे जा सकते हो अमरनाथ की यात्रा के लिए। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझे इसी तरह देते रहिए। दोस्तों धन्यवाद, जय भोले की।